तैयार हो तो दोनों हाथ में उठाओ, संकल्प लेके जाओ, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जय जय श्री राम। फिर एक बार, फिर एक बार, चौड़ा चौड़ा सड़क बन गए, नागपुर में 5 मॉल नहीं है, हमारे रायपुर में 5 मॉल हो गए, अधिक थिएटर बन गए, अधिक घूमे फिरे के गार्डन बन गए, हमारे यहाँ कतेक ऑक्सीजोन बन गए, कतेक नालंदा बन गए, कतेक हमार लक्ष्मण झूला बन गए। पहले लोगन में लक्ष्मण झूला ना देखे बार हरिद्वार जाए, अब राजीव में और रायपुर महादेव घाट में बन गए। एक कभी हमन मन चर्चा कर सकता यही बात था जो लोगन ने बताया मारे कि हमारा रायपुर रा और सुंदर बनाना है कि नहीं बनाना है। अरे हमारे घर सामने के रोड बन जाते तो हमारे जमीन के रेट बढ़ जाते कि नहीं है, कभी ओकर बारे में हमन मन बात नहीं कर। अब ये राजेश मूणत जी है, अतेक चौड़ा चौड़ा सड़क अपन कोटा में बना दिस, हमारे यहाँ एक्सप्रेस हाईवे बन गई, हमारे यहाँ पर जब जीत के आए तो छत्तीसगढ़ में 23 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पे जीत के आए तो सब तुम्हारे बन के नहीं रहते, सब कार्यकर्ता बन के नहीं रहते, मोहन नहीं जीते कार्यकर्ता जीते। तो ऐसे ही रिकॉर्ड हमला ये लोकसभा चुनाव में भी बनाना है। तुम्हारे मन जाहू न तो कोनो शिकायत नहीं करी कि ब्रिजमोहन का नहीं जानन, या ब्रिजमोहन हमसे नहीं मिलीस, या ब्रिजमोहन से हमला ये शिकायत है, कोई कांग्रेसिया हो ही तो जरूर बोलेगी, पर आम आदमी नहीं बोल सके। और ये 1,000 रुपया खाता में जाए के बाद तो कोनो कांग्रेसी दाई महितारी मन कांग्रेस का वोट दे ही का? अरे भाई छत्तीसगढ़िया मन जेकर नमक खाते होकर गुण दाते, तो हम लोग कुछ थोड़ी करना है। तो खाता में 1,000 रुपया कौन भेजे चल बता, 12,000 रुपया कौन देते साल में चल बता, ये 3500 अनाज फोकट में कौन देते चल बता, प्रधानमंत्री आवास कौन बना के देते, हर वार्ड में कम से कम 200-300 प्रधानमंत्री आवास बन गए हर वार्ड में। अब तो घर में अमृत योजना के नल लगाते कौन लगाते चल बता, तो गैस के कनेक्शन मिले है कौन दे है चल बता। खाली हमला यही तो पूछना है, वो मतलब आभास करवाना है सरकार के, मतलब कमलपुर की सरकार। और जो महिला मल्ला आने वाला पार्षद चुनाव में टिकट चाहिए वो मन अपन अपन वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के दीवार लेखन करवा दे। अगर आप मतलब नेता बनना है और सुन लो, कोई प्राइवेट घर में लिखेस कोई नो नहीं रोक सके, सरकारी दीवार में सरकारी खंभा नहीं करना है, फ्लैक्स भी बना के अपन फोटो लगा के डाल सकते हो, हाँ अपन मोदी के बड़े फोटो तुम्हारे नहीं होना चाहिए। अपन नाम लिखो दीवार लाइटिंग कराओ, कमलपुर ला वोट दो, एक बार फिर मोदी सरकार। ये हमला अपन अपन वार्ड में, अपन अपन मोहल्ला में, अपन अपन पोलिंग बूथ में जो मन ये कामला कर सकते वॉल लाइटिंग के काम, अपन अपन नाम लिखवाओ भाई, टिकट जोन ला मिल ही पर से कम मोहल्ला में तुम्हारी पहचान तो बन जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है। हमन मन फिर भैया मैं बहुत सक्रिय हूँ मोला टिकट मिलना चाहिए, 10 जगह थे अपन वॉल लाइटिंग नहीं करवा सकता तो फिर कहा बनते। नेता भी बनना है मेहनत भी नहीं करना, तो एक खातिर हमन मन ला कमल फूल ला कैसे हमन मन जैसे दक्षिण विधानसभा सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं वैसे ही लोकसभा भी सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं, हमने कैसे नहीं लगता। और कहा होते दाई मैदारी मन ला सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, बच्चा मन ला स्कूल भेजना है, फिर खाना बनाना है, फिर दाल भात और बासी खा के सूत गए, अब वोट डाले पर नहीं गिस।
तो एक खातिर हम हर घर में महिला मोर्चा के टीम कम से कम 5 बार, आज हमारे पास में 45 दिन है, ये 45 दिन में 5 बार हर घर में पहुंच जा। कोयला काकी बोलन, कोयला श्याम बोलन, कोयला दादी बोलन, कोयला चाचा बोलन, कोयला चाची बोलन, अब ऐसे बोल के हमारा एक रिश्ता बन जाए। और वो आई डी बोल के है, वोट डाले पर चल रहा है। मोबाइल नंबर इकट्ठा करना, मोबाइल से ऊपर मन के पास है व्हाट्सएप। कम से कम आज के जमाना में जो दाई महितारी मन है, गांव के भी दाई महितारी मन है, एक तरफ बुढ़ापू टिक भी होते, एक तरफ मोबाइल होते। तो वो बल्ला भी हमारे बल्ला बताना है, वो बल्ला भी समझाना है कि कैसे कमल फूलला जिताना है, कमल फूलला वोट काबर देना है। आज का चलत है मार्च, मार्च के पैसा सबके खाता में पहुंच गए, अप्रैल के पैसा भी पहुंच जाए, और जो दिन चुनाव हो ही तब तक मई के पैसा भी पहुंच जाए। 3 महीना के 1,000 रुपया सबके खाता में पहुंच गए। राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं, बहनों जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। हमारे बीच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हर्षा साहू जी हैं, मुकेश्वरी साहू, ये वेटलिफ्टिंग के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। छत्तीसगढ़ के अनेक शहर जैसे रायपुर, बालोद, राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद स्पर्धा में वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण रजत हासिल किया है। मुकेश्वरी साहू जी ने का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं, चाहे उनके घर में शौचालय बनाने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे फिर मातृवंदन योजना में साल के 12,000 रुपये उनके खाते में देने का मामला हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की गैस कनेक्शन देने का मामला हो, तो महिलाओं का सम्मान करने का काम और आने वाले समय पर लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, ये काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसलिए ऐसी महिलाओं का सम्मान समारोह आज यहाँ पर आयोजित किया गया। आपने नारी न्याय योजना का युद्ध स्तर पर प्रचार कर रही है, उनका कहना है 1 लाख घरों में जाकर घर घर जाकर फॉर्म भरवाएं। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वो केंद्र में आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में तो 5 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, तो उनको भी मालूम है कि हमको कुछ करना नहीं है, और इसलिए वो तो बोलेंगे हम तारे तोड़ के ले आएंगे, हम चांद ला के दे देंगे, तो कोई इस पर विश्वास थोड़ी करने वाला है। ये थे बिजुवन अग्रवाल जी। आप सौरभ नायक, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज महिला मोर्चा का महिला सम्मान का कार्यक्रम था, हमारे साथ सीधा इस कार्यक्रम को लेकर जो यहाँ की महिला मोर्चा की रायपुर की अध्यक्ष है सीमा संतोष साहू जी चर्चा में जुड़ेंगे। सीमा जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, यहाँ के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल जी भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन विष्णुदेव जी के कार्यकाल को पूरे 100 दिन हो गए, इसी अवसर पर आज महिलाओं का सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें महतारी वंदन की जो राशि महिलाओं को दी गई है ऐसी 100 महिलाओं का सम्मान किया हमने, और साथ ही साथ स्मार्ट वुमेन्स एवं महिला खिलाड़ियों का भी सम्मान किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही लगातार महिलाओं का सम्मान करती आई है और करती रहेगी। और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी महिलाओं के लिए ही अनेक योजनाएं निकाली हैं और उन योजनाओं का लाभ भी महिला बहनों को मिल रहा है, और अभी लोकसभा चुनाव के इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी भी उपस्थित थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि महिलाएं हमेशा जिस कार्य को लेती है उस कार्य को बड़े ही ईमानदारी के साथ करती है, और हमने भी यह विश्वास दिलाया उनको कि आज चुनाव के समय में हम भी लोकसभा रायपुर में भारी मतों से, पूरे 11 लोकसभाओं से सबसे ज़्यादा मतों से रायपुर लोकसभा को जिताएंगे। जी अभी जिस तरह से मोदी जी ने महतारी वंदन योजना लेके आए थे, उसके समकक्ष कांग्रेस नारी न्याय योजना लेके आई है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखियो कांग्रेस तो झूठी सरकार है, पिछले बार भी उन्होंने पिछले 5 साल के कार्यकालों में उन्हें बहुत सारे 36 वादे किए थे, उनमें से भी एक भी वादे पूरे नहीं किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार में आप देख रहे हैं कि महतारी योजना
योजना के अंतर्गत सभी महिला बहनों को उस योजना का लाभ मिल रहा है और महिलाएं खुश भी है। और हमारे छत्तीसगढ़ में हमेशा ही महिलाओं के लिए कार्य किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के गारंटी में हम जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो सारे वादे अभी 100 दिन के इस कार्यकाल में पूरे हो गए हैं और आने वाला समय भी हमारे मोदी जी के गारंटी के साथ कार्य करेगा। महिला मोर्चा की तैयारी किस तरह चल रही, क्योंकि देश का चुनाव चल रहा है? देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारे नेतृत्वकर्ता मोदी जी हों और सभी महिला बहनें मोदी जी का सम्मान करते हुए जिस तरह विधानसभा में छत्तीसगढ़ में भारी मतों से विजय बनाकर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बनाया, उसी तरह पूरे 11 लोकसभा में भी हम सभी बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर चुनाव प्रचार करेंगी, घर घर जाएंगी, क्योंकि मोदी जी ने इतने सारे योजनाएं महिला बहनों के लिए बनाया है जो कि प्रत्येक घर में उस योजना का लाभ मिला है। और वह आज हमारी महिला मोर्चा की सारी बहनें ने प्रण लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में जाकर प्रत्येक घर में बीजेपी के लिए वोट मांगी और भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी और 400 पार मोदी जी को फिर से हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले जो कांग्रेस की शहर अध्यक्ष ममता राय जी का भाजपा प्रत्याशी को लेकर एक बड़ा बयान आया था, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ममता राय जी कहती हैं कि मोहन जी जैन 8 बार के विधायक है पर वो कोई कार्य नहीं किए, पर मैं उनको बताना चाहूँगी कि 8 बार के अजय योद्धा हैं बृजमोहन भैया जी और उन्होंने विधानसभा में भी सबसे ज़्यादा लीड करके वो चुनाव जीता है और उनका कार्य दिखता है। वो जन नेता हैं, वो सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में जाकर कार्य करते हैं। और रही बात विकास उपाध्याय की, अगर विकास उपाध्याय जी कार्य किए रहते तो इस विधानसभा में वो जरूर जीत के आते, पर कांग्रेस हमेशा झूठे वादे करती हैं, झूठी बातें करती हैं, महिलाओं का अपमान करती हैं। तो कांग्रेस अब तो ऐसी स्थिति में हो गई है कि पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी स्थिति में है और वो अपना बचाने के लिए, अपना कांग्रेस पार्टी के लोग अपने पार्टी को बचाने के लिए उजुल फुजुल बातें करते हैं, लेकिन हमारे बृजमोहन भैया आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरे 11 लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से रायपुर लोकसभा से जीतेंगे, ऐतिहासिक जीत होगी और हम सभी महिला मोर्चा की बहनें उनके लिए कार्य करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे सीमा संतोष साहू जी, शहर अध्यक्ष हैं भाजपा महिला मोर्चा की, और आज चल रहा था महिला सम्मान का कार्यक्रम, फिर किसी विषय को लेकर हम उनसे चर्चा में जुड़ेंगे। आप लोग देखते रहिए न्यूज़ 72।